15 अगस्त को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सन 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से मिली आजादी के बाद से ही इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजों से आजादी दिलाने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि जब आजादी मिली थी तो महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे। उस समय वो दिल्ली के हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे। वो वहां पर अनशन कर रहे थे। आपको बता दें कि आजादी की निश्चित तिथि से 2 सप्ताह पहले ही गांधी जी ने दिल्ली को छोड़ दिया था। उन्होंने 4 दिन कश्मीर में बिताए और फिर वहां से वो ट्रेन से कोलकाता के लिए रवाना हो गए, जहां सालों से चल रहा दंगा खत्म नहीं हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जब आजादी मिली तो राष्ट्रपिता उस जश्न में शामिल नहीं हो सके। वो उस समय बंगाल के नोआखली में थे। वहां पर सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। राष्ट्रपिता ने 15 अगस्त 1947 का दिन 24 घंटे का उपवास करके मनाया था। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेडक्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती थी। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया, लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। भले ही रविंद्रनाथ टैगोर जनगणमन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन ये राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया।